नमस्कारम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शुभम शुक्ला, और जैसा कि आप टाइटल में ही देख चुके होंगे, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के होम टैब के बारे में, जो कि आपके सामने ओपन भी है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात करें तो क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलता है, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोग परिचित होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं फिर से एक बता दूंगा। और ये सारे ऑप्शन मैंने एक्सेल और एमएस वर्ड में भी बताए हुए हैं, वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, उनके बारे में भी जान सकते हैं। हर एक ऑप्शन के बारे में हमने पूरा एक एक वर्णन किया है उसका। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करें तो कट, कॉपी, पेस्ट, बेसिकली अगर इसको जाना है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके। अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से ये मूव हो जाता है। कट में क्या होता है, मूव होता है। हम इसको चाहें तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ओके। अगर हम चाहते हैं कि ये कोई वर्ड यहाँ भी रहे और दूसरी जगह भी चला जाए, तो हम इसके लिए कॉपी करते हैं। कॉपी करा और यहाँ पर जा करके हम उसको पेस्ट करा देंगे। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, किसी भी वर्ड की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए होता है। जैसे हमने कोई ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ज़रा इटैलिक कर लें, बोल्ड कर लें और अंडरलाइन भी लगा दें। अब हम चाहते हैं कि इसी तरह ये वाला वर्ड भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी ये सेलेक्ट है, हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और हमारे ये ब्रश की तरह जब आ जाता है और हम जिस वर्ड पे इसको ड्रैग कर देते हैं, वो वर्ड सेम उसी वाले वर्ड की तरह हो जाता है। देखिए अब ये वर्ड भी उसी तरीके से हो चुका है, ठीक। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है किसी भी फॉर्मेटिंग लगाने के लिए। देन आता है यहाँ पर स्लाइड्स ग्रुप। स्लाइड्स ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहला होता है न्यू स्लाइड्स। तो न्यू स्लाइड्स में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले ही न्यू स्लाइड्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो कोई नई स्लाइड हमें इंसर्ट करानी होती है तो आ जाती है। अब यहाँ पर जो पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से सेट थी, वो वाली स्लाइड हो जाती है। फिर हमारा दोस्तों यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो बहुत सारी स्लाइड्स मिलती हैं। ऐसे सबसे पहले है, अगर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वैसे ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कराते हैं, ठीक। ब्लैंक स्लाइड्स जो होती है सादी स्लाइड मिल जाती है, तो इसमें हम कई सारी चीज़ें अपने आप कस्टमाइज़ करते हैं। वैसे तो जो स्लाइड्स मिलती हैं उनमें कुछ ऑप्शंस पहले से ही मिलते हैं, जैसे कि ये है टाइटल वाली स्लाइड और ये नीचे कुछ भी अगर हम देना चाहें तो। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से, जैसे मिलता है टेबल का, टेबल के थ्रू हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपनी तरीके से दे दें कुछ कॉलम और रोज वगैरह हैं, यहाँ पर सेट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो हमारी यहाँ पर टेबल आ जाती है, ठीक। फिर अगर हमको कोई ऑप्शन और भी चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से अगर हम कंट्रोल जेड कर दें हट जाएगा। और हमें चार्ट अगर चाहिए इंसर्ट कराना है इसी स्लाइड में, तो हम चार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक। और हमें जो भी चार्ट सेलेक्ट करना हो, जैसे कि अभी ये क्या, ये कौन कॉलम चार्ट है, फिर लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, जो भी हमको चाहिए हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से चार्ट भी इंसर्ट करा सकते हैं। क्या बात है, प्रोसेसिंग ले रहा है। क्योंकि चार्ट के लिए हमको एक डेटा चाहिए होता है, देखिए यहाँ पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि चार्ट के लिए हमको एक डेटा चाहिए होता है, और जो कि डेटा पहले से हमने सेलेक्ट नहीं कर रखा है। एक्सेल से जैसे मान लें कोई हमने डेटा अगर लेते, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू भी जाते और उसके थ्रू हम कोई डेटा सेलेक्ट करते तब हमें चार्ट उस पर सेलेक्ट हो जाता, ठीक। स्मार्ट आर्ट क्या है, बेसिकली जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं नंबर वाइज, ठीक। यहाँ पर हम अभी इन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने करा इस तरीके से एप्पल लिखा, देन सेकंड हमने लिख लिया बनाना, ओके। एंड थर्ड हमने लिख लिया मैंगो, ओके। मैंगो ओ प्रेस हो जा, हाँ ठीक। तो ये जो है हमारा एप्पल, मैंगो, बनाना और मैंगो, तीन हमने जो है लिस्ट इसकी बनाई है। अब हम इसको चाहते हैं कि स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करें, तो एक तो था वहीं पर जो ऑप्शन आ रहा था उसके थ्रू, या फिर इसको हम सेलेक्ट करें पूरा, यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट हमने कर लिया। इसको सेलेक्ट करने में कई तरीके हैं, शिफ्ट के साथ में अगर हम जहाँ पर हैं हमारा कर्सर वहाँ से हम
एरो के प्रेस कर दें शिफ्ट के साथ में तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे आता है ऑप्शन कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमको आर्ट बताएगा किस तरीके के चाहिए आपको। इससे मान लिया हमने ये लगा दी, अभी देखिए स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, चलिए अब ये खुल ही गया तो इस पर थोड़ा सा चेक कर लें। इसके कलर के बारे में हम जैसे कि यहाँ पर अपने आप सेट कर सकते हैं, जैसे कलर चाहिए हमको वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, और ये पहले से डिज़ाइन हैं ये इस तरीके से भी ले सकते हैं, बुलेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, शेप इसकी बदल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट पे बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक नई स्लाइड ले लेंगे यहाँ से और दूसरी चीज़ें समझते हैं। यहाँ से क्या होता है, देखिए स्मार्ट आर्ट तक की हमने बात करी, फिर होता है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, मतलब कोई पिक्चर हमें इंसर्ट करानी हो तो यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा पिक्चर कहाँ से लेना चाहते हो, और अगर हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे जैसे मान लिया कि हमने ये सिलेक्ट कर ली और इंसर्ट पे क्लिक कराया, ये पिक्चर हो गई। ठीक, अब पिक्चर पे भी हम बहुत सारे ऑप्शन लगा सकते हैं, ब्राइटनेस इसकी घटा बढ़ा सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके आराम से करी जा सकती हैं। ठीक, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। पिक्चर बॉर्डर के थ्रू हम पिक्चर बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक, अगर मोबाइल अगर आप चलाते होंगे तो खूब सारे करे भी होंगे होम। और इस तरीके से फिर हमारा जो है एक नया स्लाइड लेते हैं और इन पे चर्चा करते हैं। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जिनको अगर हम इंसर्ट कराना है तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से हमारा एक पेन खुल के आ जाता है। गो पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी पिक्चर्स छोटी छोटी मिल जाएंगी। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर आ चुकी है। ठीक, इस तरीके से हम इसको जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, और इसको भी पिक्चर की तरह बहुत सारे डिजाइनिंग फॉर्मेट टैब ओपन जब होता है उसे बहुत सारे लगा सकते हैं। फिर बात करें न्यू स्लाइड पे क्लिक करें और लास्ट में हमारा बचता है मीडिया, इंसर्ट मीडिया क्लिप। मजे मान लें कि हमें कोई म्यूज़िक लगाना हो, वीडियो क्लिप डालनी हो तो इंसर्ट मीडिया क्लिप के थ्रू चलते हैं हम। अगर यहाँ पे कोई है तो हम उसको ओपन करके और लगा देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है ये जो ये वाले ऑप्शन हैं सारे हमने रिवाइज कर चुके हैं। और इनकी बात करें तो इनमें से हमने डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स को इंसर्ट करा सकते हैं, ये वाली बात करी है। फिर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लेआउट, लेआउट जैसे क्या होता है बेसिकली जो क्या है यहाँ पर सारे लेआउट्स ही दिए हैं, हम जिसको चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ब्लैंक हमको चाहिए तो ब्लैंक लेआउट ही हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में रीसेट क्या होता है, जैसे कि हमने कोई फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करी हूँ इस तरीके से, जैसे इस वाले अंदर इसमें पड़ी है अगर हम रीसेट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग ये वाला पिक्चर हमने उधर कर दिया था इसलिए रीसेट करने पर मेडल में आ जाएगा। जैसे जहाँ पर भी जब हमने इंसर्ट कराया था जैसा दिखता था वैसा आ जाएगा एकदम स्टार्टिंग का। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाएगा, इस तरीके से कोई भी स्लाइड डिलीट करानी हो तो हम डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। और फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं इस तरीके से लैंग्वेज बदलने के, फॉन्ट के, ये सारे ऑप्शन आपने एमएस वर्ड में भी देखे होंगे, एक्सेल में भी देखे होंगे और यहाँ पर भी हैं, तो हम इनमें से कोई भी लैंग्वेज बदल सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम उसका साइज़ भी बढ़ा घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया साइज़ घटाने बढ़ाने का डायरेक्ट सेलेक्ट करना, और एक ये भी है इसके थ्रू भी हम साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, अब जब लिखेंगे ये छोटा लिख रहा है। ठीक, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है, सारी फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई करी होगी वो सारी फॉर्मेटिंग हटा देता है। अगर हम जैसे कि इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर हम इसको बोल्ड करें, बोल्ड करने से क्या होता है देखिए मोटा हो जाता है, गाढ़ा और इटैलिक से तिरछा हो जाता है। ठीक, यू से अंडरलाइन होता है और ये एबीसी से स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। इससे बहुत सारी क्वेश्चन, ये सारे आप जानते हैं आप सर, लेकिन जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं कभी ट्रिपल सी में या ओ लेवल में तो आपको दिक्कत होती है। जैसे ये स्ट्राइक थ्रू में क्या हो जाता है कि ऊपर से लाइन कटी सी आ जाती है। ठीक, और इसी को ऑप्शन के थ्रू में पूछ लेता है। ठीक, अब जैसे ये सारी फॉर्मेटिंग हमने हटानी, यहाँ पर क्लियर आर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएंगे और सिंपल की तरह हमारा टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा। देन हमारा है शेप में, देखिए यहाँ पर क्या है बेसिकली एक छाया सी हमको दिखती है। ठीक, अब हम जैसे कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, अब देखिए यहाँ पर अभी जो जैसा टेक्स्ट दिख रहा था लेकिन अब उसमें छाया दिखने लग गई है। अगर हम इसी को फिर से सेलेक्ट करके और फिर से हम इस पर ये शेप वाला ऑप्शन हटा देते हैं तो देखिए फिर से नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक, तो शेप की तरह इसमें प्रयोग करते हैं। फिर कैरेक्टर के बीच में स्पेस कितना है, अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, वेरी टाइट अगर करते हैं तो देखिए बहुत क्लोज हो जाएंगे ये सारे, ये सब बहुत क्लोज हो चुके हैं। और अगर हमको टाइट चाहिए तो थोड़ा सा हल्का सा, फिर अगर वेरी लूज करते हैं तो देखिए बहुत दूर दूर हो गए। कैरेक्टर स्पेसिंग के थ्रू ये कैसा कर सकते हैं। चेंज केस, मतलब कि हमको किस केस में चाहिए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। सेंटेंस केस जैसे कि नॉर्मली हम लोग लिखते हैं सबसे पहला वाला लेटर क्या होता है कैपिटल होता है, फिर उसके बाद सारे लेटर्स छोटे होते हैं।
लोअर केस में सारे के सारे छोटे लेटर हो जाएंगे अगर कोई बड़ा, अपर केस में सारे बड़े हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर बड़े भी हो चुके हैं, लोअर केस करेंगे तो फिर से छोटे हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल हो जाए, देखिए इसमें ये एक पूरा वर्ड मान रहा है तो इसका पहला लेटर जो होता है कैपिटल हो जाता है। टॉगल केस में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है कैपिटल ईच वर्ड का, टॉगल केस में पहला अक्षर छोटा होगा बाकी सब बड़े हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है टॉगल केस का एग्जांपल क्या है और इस तरीके से दिया होगा तो आप उसे लगा सकते हैं। ठीक, फिर हमारा होता है यहाँ पर बुलेट्स वगैरह, बुलेट्स लगाते हैं एंटर करेंगे तो सेकंड बुलेट आ जाएगी इस तरीके से। अगर हम चाहें तो उन्हें नंबर के रूप में भी दे सकते हैं, नई स्लाइड लेकर के यहाँ पर आसानी से समझा सकता है, यहाँ पर कुछ भी लिखा ठीक एंटर करेंगे तो बुलेट्स के फॉर्म में आ रहा है। अगर हम यहाँ नंबर के फॉर्म में देना चाहते हैं तो नंबर के फॉर्म में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, फिर उसके हाथ में क्या है, अगर हमारा करेक्टर इधर सबसे बड़ा हुआ है तो दूसरे तरीके से भी इंक्रीजिंग लिस्ट लेवल कर सकते हैं, जैसे कि ये लिस्ट यहाँ से दिखाई पड़े या फिर इसको हम यहाँ पे आए और इसको हमने सेलेक्ट करा तो ये देखिए इस तरीके से दिखाई पड़े। ठीक, चाहे तो इस तरीके से घटा बढ़ा भी सकते हैं। फिर क्या है, लाइन स्पेसिंग, बेसिकली इन दोनों के बीच में जो लाइन स्पेसिंग होती है उसके लिए है। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में जो लाइन स्पेसिंग है ये उसके लिए होती है, हमने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे आए लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे 10 लगी है, हम 1.5 करते हैं, देखिए थोड़ा सा और दूरी बढ़ गई। अगर हम 3 लगा दें तो देखिए काफ़ी दूरी बढ़ चुकी है इन दोनों के बीच में। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन बदलने के लिए करते हैं, जैसे कि अभी जो टेक्स्ट लिखा हुआ कैसा दिखाई पड़े, ओरिजिनली करते हैं तो इस तरीके दिखाई पड़ता है। ठीक, जैसे चाहे वैसा लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में है अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कहाँ पर दिखाई पड़े, मिडिल में, टॉप में, देखिए अब ये दोनों ये पूरे के स्क्वायर जो हम बना हुआ है इसके मिडिल में दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर हम बॉटम में करते हैं तो दोनों बॉटम में चले जाते हैं, टॉप में पहले से थे तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। फिर क्या है, पैराग्राफ की स्टाइल सेट करी जा सकती है, अभी ये लेफ्ट लाइन है पैराग्राफ तरीके से करते हैं, ये सेंटर लाइन हो गया, सेंटर में आ गया, फिर ये राइट लाइन हो गया। जस्टिफाई में क्या होता है कि दोनों तरफ का जस्टिफाई, अभी अगर हम पूरा टाइप कर दें जस्टिफाई में, देखिए और यहाँ पर लाइन देखिए, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो भी हम टाइप करते हैं वो दोनों तरफ से सेम, यहाँ से भी देखिए इतना ही अंतर और यहाँ से भी इतना ही आएगा, जब इसको पूरा लिख देंगे तो उतना ही अंतर आएगा। ठीक, इन दोनों में इतनी भी जगह इधर भी छोड़ेगा उतनी जगह इधर भी छोड़ेगा, पेज के बराबर ही रखेगा जस्टिफाई। फिर है हम अगर कॉलम में विभाजित करना चाहें, जैसे कि यहाँ पर है टू कॉलम में, ये सारा मटेरियल टू कॉलम में हो जाएगा। ठीक, एक ये कॉलम एक ये कॉलम, तो इसमें हम सेट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट हम पहले ही बता चुके हैं। ओके, फिर यहाँ पर बात करेंगे सेव के बारे में। सबसे पहला यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम कहीं भी टेक्स्ट इंसर्ट करा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर हमने क्लिक करा और हमने कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करा दिया, यहाँ ब्लैंक स्लाइड में आ जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं इस तरीके से, और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, टेक्स्ट बॉक्स में मतलब टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम कहीं पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा करके और उसमें कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट साइज जो शेप्स हैं आकृतियाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी ले करके ड्रैग करेंगे, किसी पर क्लिक करिए, सिंगल क्लिक करके और उसको ड्रैग करिए, इस तरीके से हम कोई भी शेप को ले सकते हैं। अरेंज क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या करें, हमने दो तीन शेप इंसर्ट करा लिए, ये इस पर क्लिक करा हमने और ये हमने एक शेप बना ली। ठीक, और हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, इसका कलर जो है हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ से क्विक स्टाइल से गए हमने इसको रेड कर दिया। ठीक, और फिर आए हम इस पे स्क्वायर वे पे क्लिक करा, स्क्वायर पे, और ये यहाँ पे आए, हमने इसकी जो है स्टाइल थोड़ा डिफरेंट कलर में कर दी, इस कलर में हो गई। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लिए ताकि समझना आसानी रहे, और हमने इसको इस तरीके से सेट किया। अब क्या है यहाँ पर अरेंज में क्या होता है, देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, इस तरीके से होता है। जैसे ये सबसे नीचे है, अगर हम इस पर क्लिक करें और अरेंज पे आए, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक, और सेंड टू बैक करेंगे तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा, इस तरीके से और सभी सारे ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि इन सबको ग्रुप में कर दें तो हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, पहले सबको सेलेक्ट कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ में सब पे क्लिक करेंगे, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अभी ये पहले वाला सेलेक्ट है, इस पे भी क्लिक करेंगे, ये भी सेलेक्ट हो चुका है, यहीं पर आएंगे अरेंज में, ग्रुप पे आकर के ग्रुप पे क्लिक कर देंगे,
फिर ये ग्रुप हो जाएगा। अब अगर हम ले जाते हैं कहीं पर भी तो पूरा एक साथ उठता है, ठीक, वैसे सिंगल सिंगल जाता। और अगर हम अरेंज पे जा करके अनग्रुप कर दें तो फिर उसके बाद में ये सिंगल हो जाएंगे। अब हम अगर कुछ किसी को उठाते हैं तो सिंगल देखे जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कोई के स्टाइल में बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो किसी पर भी बड़े आसानी से अप्लाई करा सकता है, ठीक। सेव फिल में क्या होते हैं, सेव की आकृति में पहले से चित्र वगैरह जो भरा है हटा सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं, ठीक। इस तरीके से सेव फिल में आकृतियाँ, सेव की आउटलाइन कैसी जो है वो भी हम तय कर सकते हैं। जैसे यहाँ से वेट है तो हम उसको थोड़ा मोटी और भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से जो भी सेट करनी हो, ठीक। और कलर भी उनके सेट कर सकते हैं। फिर सेव का इफेक्ट हम जैसे कि चाहते हैं 3D में हमारी सेव दिखे तो यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे 3D में, और इस तरीके से जो भी चाहें वो सेट कर सकते हैं, इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल अपने आप से तय कर सकते हैं, ठीक। फिर लास्ट में ऑप्शन है फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट, सेम वही ऑप्शन है जो कि MS वर्ड वगैरह मिलते थे। जैसे कि हमने क्या करा, यहाँ पे यह भी हमारा लिखा हुआ है कंटेंट, और इसको हमने कंट्रोल ही कर दिया, ठीक। फाइंड पे गए, यहाँ पर हम क्या फाइंड कराना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि J कहाँ है उसको फाइंड करें, तो ये नीचे आ रहा है ऊपर ले आते हैं, ठीक। J पे क्लिक करेंगे, J पे जाएगा और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, और देखिए J यहाँ पे शो कर रहा है, देन फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे जो शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ J शो करेगा हम फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे और J हमें मिलते जाएंगे, इस तरीके से। अब टोटल J फाइंड कर चुका है इसलिए यहाँ पर रोक देगा। फिर है ऑप्शन इसी में ही रिप्लेस, यहाँ पर भी मिल जाता है और नेक्स्ट ऑप्शन भी वहीं पर रिप्लेस है। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा एक ऑप्शन खुल जाता है, मतलब J को अगर हम चाहते हो कि दूसरे वर्ड से रिप्लेस कराना, जैसे कि अभी इस वर्ड पे आए थे, यहाँ पर हमने J ढूंढा कहाँ कहाँ है, अगर हम चाहते हैं कि J को किसी W से रिप्लेस करा दें, यहाँ पर W पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, अब देखिए जहाँ पर J था वहाँ वहाँ से अपने W हो चुका है, अब यहाँ पे पूरे में J कहीं भी नहीं दिखेगा, ठीक। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने पर सारे जगह रिप्लेस होता है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। सेलेक्ट के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट से इंसर्ट करा रखा हो, जैसे सेप कोई आकृति इंसर्ट करा रखी हो, फिर हम जा करके हम टैब पे यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये पहले से ही सेलेक्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट के सेलेक्ट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये है लास्ट में ऑप्शन सेलेक्शन पेन, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो साइड में आ जाता है। अब देखिए यहाँ सिलेक्शन पेन ओपन होते ही हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं कि जैसे कि अभी ये सेलेक्ट है, अगर हम इसको चाहें तो व्यू करें, चाहें तो ना करें, यहाँ से हम हटा दें, हाइड कर दें, ठीक। जो कंटेंट प्लेस होल्डर है जैसे कि ये, इसको हम चाहें तो इसको भी हाइड कर सकते हैं, और ये गायब हो चुका है, ठीक। तो और इसको हम ला भी सकते हैं, या फिर हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो अभी है सेप हमारी ऊपर है, अगर हम चाहें तो इसको डाउन भी कर सकते हैं, देखिए अब ये टेक्स्ट ऊपर दिख रहा है, ठीक। तो ये सारे ऑप्शन सिलेक्शन पैन के थ्रू मिल जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों जो है होम टैब समाप्त होता है, और अगले में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। ज़रूर देखिएगा सारे ऑप्शन क्लियर होंगे, ये ऑप्शन अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसको बड़े आसानी से आप बीट कर सकते हैं, क्योंकि इन ऑप्शन पर बेस्ड ही क्वेश्चन सारे बनाए जाते हैं। और ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल सके और आप रहें सबसे आगे। अगर आपको लगता है कि लोग जो लोग आपके खास हैं और ये वीडियो उनके काम आ सकता है तो उन्हें अवश्य ही शेयर करें ताकि वो भी लाभ कमा सकें।